हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना स्कोर जरूर बता दें, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कम से कम हमें 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि टॉप 50 क्वेश्चंस के, तो स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि आपका स्कोर क्या रहा, क्योंकि ये एवरेजिंग क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अशोककालीन शिलालेख राज्य में किस स्थान से मिलता है? तो किस स्थान से मिलता है अशोककालीन शिलालेख, जो है यहाँ पे कालसी से आपको मिलता है अशोक का शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे टिहरी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है बताना है, बाकी सही होंगे। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में वर्ष 1949 में मिला, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा है, यहाँ पे टिहरी बांध वर्ष 1972 में प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल ये भी सही है, 72 में स्थापित किया, यहाँ पे प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, बिल्कुल ये टिहरी नगर को निगल लिया, उसके बाद नई टिहरी बनी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक अलग से मंडल के रूप में गठित किया गया, ये बिल्कुल सा यहाँ पे गलत होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक बताना है कौन सा यहाँ पे था, तो ये था आपका वासुदेव। कौन था? वासुदेव आपका कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, किस राजवंश का चिन्ह गायत था? तो राजवंश कौन सा राजवंश था जिसका गायत था, वो था आपका चंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश, तो राजनीतिक वंश पूछ रखा, प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था? तो प्रथम जो राजनीतिक वंश था वो आपका कुलिंद शासक था, जो कि उत्तराखंड पर राज किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी जिसके बाद पौड़ी में स्थानांतरित किया गया? तो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी जो थी आपका श्रीनगर में था, बाद में जो है पौड़ी में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल ने कब कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया? तो कत्यूरी राज्य पर आक्रमण अशोक चल ने कब किया था? 1191 में कत्यूरी राज्य पर यहाँ पे आक्रमण किया था अशोक चल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ललित सूरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है? तो ललित सूर के देव के बाद यहाँ भूदेव जो है उसका यहाँ पे राजा बना था, उसका जो उल्लेख है यहाँ पे शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज में 23,266 भारतीय सैनिक थे, जिसमें से गढ़वाली सैनिकों की संख्या लगभग थी, तो गढ़वाली सैनिक काफ़ी मात्रा में थे, तो उसमें से यहाँ पे 2,500 जो थे गढ़वाली सैनिक की संख्या थी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल बताना है कितना है? यहाँ पे कुल क्षेत्रफल जो है उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? तो गंगा के मैदान के अंतर्गत जो है आपका हरिद्वार आता है, सारा जो भाग है हरिद्वार में ही गंगा बहती जा रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का राज्य, तो हरियाणा को स्पर्श करने वाला जो उत्तराखंड का राज्य है वो आपका यहाँ पर देखिए देखिए देहरादून जो है, थोड़ा सा यहाँ पर टच कर लेता है हरियाणा को देहरादून। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैचिंग करना है, सूची वन से सूची टू को मैच करना है। और मिलिन ग्लेशियर देखिए पता होना चाहिए आपको कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। सुंदरढुंगा ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में है, बिल्कुल ये भी सही है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? यहाँ उत्तरकाशी में है, ये भी सही है। दूनागिरी जो ग्लेशियर है वो कहाँ है? चमोली में है। तो सभी के आंसर जो है आमने सामने ही है, तो ए का ऑप्शन कहाँ होगा? वन होगा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? जो लघु हिमालय है वो आपका शिवालिक और महान हिमालय, दो हिमालय इनके बीच में जो है आपका स्थित है लघु हिमालय, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के किस भाग को पाताल तोड़ या उत्सुप्त कुएं कहे पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं जो पाए जाते हैं वो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर जो है आपका टिहरी जनपद में है। कहाँ पर है? टिहरी जनपद में जो है खतलिंग ग्लेशियर आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तिपरा बाकम ग्लेशियर, देखिए तिपरा बाकम ग्लेशियर जो है आपका ये चमोली में स्थित है। कहाँ पर है? चमोली में स्थित है तिपरा बाकम ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन देखिए, बताना है कि आपको हार्नब्लेड, अभ्रक, शिफ्ट, क्वार्ट्ज एवं ग्रेनाइट किस जिले में प्रमुख हैं? तो ये आपके गढ़वाल जिले में आपके प्रमुख हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उत्तराखंड भारतवर्ष का कौन सा राज्य है? तो ये 27वां राज्य है उत्तराखंड भारत का। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूरी कहा जाता है, तो रूरी जो है कहते हैं इसको, किसको कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं रूरी, ठीक है ना। 21 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम व न्यूनतम तापमान वाला जगह बताना है, ठीक है। अधिकतम तापमान कहाँ होता है और न्यूनतम जो तापमान है वो कहाँ पर होता है? तो अधिकतम तापमान जो होता है ग्रीष्म ऋतु में वो पंतनगर में होता है, और न्यूनतम जो है आपका जोशीमठ में होता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्थानीय भाषा में बस क्याला किस ऋतु को कहा जाता है? तो बस क्याला जो है कौन से ऋतु को कहते हैं ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वर्षा ऋतु आपका सही हो जाएगा। वर्षा ऋतु को यहाँ पे बस क्याला कह देते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में वार्षिक वर्षा की मात्रा है, तो वार्षिक वर्षा जो होती है राज्य में वो 150 से लेके 200 cm के बीच में यहाँ पर रहती है हर साल। नेक्स्ट है यहाँ पे, स्थानीय भाषा में यूंद किस ऋतु को कहा जाता है? तो यूंद कहते हैं कि आपको यहाँ पर शीत ऋतु को, किसको कहते हैं? शीत ऋतु को यूंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतकाल में राज्य में न्यूनतम तापमान कहाँ होता है? तो न्यूनतम तापमान कहाँ होता है? पंतनगर में सबसे न्यूनतम तापमान यहाँ पर रहता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? नरेंद्र नगर पौड़ी में, यहाँ पर हर साल जो है वर्षा ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है, असत्य कथन छांटी बताना है, तो लाल मृदा अधिकांश पहाड़ियों की ढालों वो पर्वतों की किनारे पाई जाती है, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, वन की भूरी मृदा में जैव तत्व की अधिकता होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, वन की भूरी मृदा में चूना और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 29 क्वेश्चन है यहाँ पे, शिवालिक की पहाड़ियाँ और दून घाटियाँ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर जाई जाती है आपको टर्सरी मृदा, कहाँ पर पाई जाती है? टर्सरी मृदा जो है यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है बाह्य हिमालय क्षेत्र में यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये आपका राज्य में जो वन अनुसंधान संस्था है वो आपका देहरादून में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्ति होने वाली किस्में लगभग है? तो जड़ी बूटी कितने किस्म की पाई जाती है? लगभग 500 किस्म की यहाँ पर जड़ी बूटी पाई जाती है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है जो कि, और फूलों की घाटी ये भी चमोली में है, ठीक है। उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? दोनों को बताना है कि विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पे वर्ष 1988 को यहाँ पे यूनेस्को में शामिल किया गया था, और फूलों की घाटी को यहाँ पे 2005 में यहाँ पे शामिल किया गया था। दोनों ही यहाँ पे कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है बताना है? तो वन्य जीव विहार जो है यहाँ पे सबसे पुराना जो है गोविंद वन्य जीव विहार जो है राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में? गंगोत्री जो है आपका उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तराखंड में कौचुला खरक जो है बताना है क्या है? यहाँ पे एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है ये कौचुला खरक जो कि, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर है कौचुला खरक जो है एक स्तरीय मृग प्रजनन केंद्र है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड की स्थापना की गई? तो ये की गई थी यहाँ पे चूना खान में जो है यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ की गई? यहाँ की गई थी 1973 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, जो कि किससे संबंधित है? ये आपका यहाँ पे कार्बेट नेशनल उद्यान से संबंधित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है यहाँ पे सूची वन से सूची टू को, मतलब राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे जनपद दे रखे हैं। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि यहाँ पर चमोली में पड़ता है, और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो कि यहाँ पर देहरादून में पड़ता है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, भारत का वाटर टैंक कहा जाता है? वाटर टैंक कहा जाता है हिमालय को, ठीक है ना, हिमालय को यहाँ पर वाटर टैंक कहा जाता है भारत का। अगले क्वेश्चन यहाँ पे, सात पहाड़ियों से घिरी चमोली की वह कौन सी झील है जिसके किनारे सिख के 10वें गुरु ने तपस्या की थी? वो झील है यहाँ पे लोकपाल, ठीक है ना, हेमकुंड के
भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी नदी को जो है गंगा के नाम से कहाँ पर जाना जाता है, कौन सी स्थान पर जाना जाता है? वो आपका देवप्रयाग में जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी जो निकलती है आपकी गौमुख से निकलती है, ठीक है ना। गंगा कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्ष तक रही? तो गौना झील कितने वर्ष तक रही बताना है, तो 62 वर्ष तक, ठीक है ना। 62 वर्ष तक गौना झील बनी रही। नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदी के तट पर है बताना है, स्थित है, तो कहाँ पर है? यहाँ पर टिहरी बांध जो है आपका यहाँ पे भागीरथी नदी पे है। कहाँ पे है टिहरी बांध? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, यहाँ पे टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? दो नदियों के संगम पर स्थित है, जो कि भागीरथी और बिलंगना नदी के यहाँ पर संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल बताना है, कौन सा? यहाँ पे कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है वो आपका भीमताल है। कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल है। नेक्स्ट है, किस ताल को, ठीक है, देवियों का या मातृ शक्ति का ताल भी कहते हैं? तो देवियों का ताल या मातृ शक्ति का ताल किस ताल को कहते हैं? वो आपका यहाँ पे मातृ का ताल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जल स्रोत कौन सा है? तो हिमालय जो है सबसे बड़ा जल स्रोत है भारत का। तो टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो सभी लोग कमेंट करके कर सकते हैं कितने स्कोर है। आई होप यहाँ 50 में से 50 सभी के हुए होंगे।